बाराबाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत करुछि मु शक्ति बुलेटिन को आगु को नवा किंतु ता पूर्वर देखनबा कोन रहिछि वर्तमान रा हेडलाइंस। रूपानगरी रे सुना चोर कटक नया सड़क रे सुना बंधक रखुवा संस्था रे अचल सीसीटीवी रे उठाइले फायदा, 10 मिनिट रे उठाइले 10 कोटी, लुटेरा को धरिबा को पुलिस रे तनाखाना। आपलोर बड़ा धरणर लूट, चिकित्सा नारे रोगी को चून, मनईच्छा बिल धराई रोगी को करुछंती सर्वस्वांत, टंका दे न पारिले हॉस्पिटल गुंडांक नालिया की, देखिबा अर्गसर अनुसंधान मूलक रिपोर्ट। माउथवाश रे पोक, कटक एससीबी परिसर रे थिबा साई संजीवनी मेडिसिन स्टोर विरोध रे सांघातिक अभियोग, एमआरपी ठारु अधिक दर रे औषध बिकुथिबा अभियोग कले ग्राहक, कंपनी को दायी करी दोष खसाउची औषध दुकान। डीजेंक हाथरे दंडी, कोरोना बदलाइला जीविकार मोड़, नष्ट होबाकु बसिलाणी लक्षाधिक टंकार जंत्रपाती, बैंक ऋण सुझिबाकु बिकुछंती परिवार। कटक ओरमा स्टल रे बाली यात्रा रा अनुभूति मिलुछि, हस्तंत सह टेराकोटा सामग्री, 15 स्टल रे कोरोना कटकणा मध्यरे चलिछि बिक्री। थराइनी शीत किंतु गदा हेलाणी शीत पोशाक, भुवनेश्वर रूपाली छक रे लागिछि स्वतंत्र बाजार, कोरोना डर जोगु आसुनाहंते ग्राहक, बेपार मंदा नै आशंका रे व्यवसायी। बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रो बड़ा धरणर लूट, चिकित्सा नारे रोगी को चून लगाउछि आपोलो हॉस्पिटल, मनईच्छा बिल धराई रोगी को करुछंती सर्वस्वांत, आ रोगी पैसा देबा को असमर्थ हेले हॉस्पिटल देखाउछि नाली आखि। जदि आपोल रो एही कला कारनामा धरा पडुछि, डिस्काउंट ऑफर दे रोगी एवं तांका संपर्कियों मुह बंद करबा को हेउछि उद्यम, देखबा अर्गस न्यूज रो अनुसंधान मूलक रिपोर्ट। चिकित्सा पाई अपोलो हॉस्पिटल जाउछंती कि ताले हे जानतु सावधान, आखि पिछुड़ा के चिकित्सा नारे चून लगाई दे पारे कथा कथित बड़ हॉस्पिटल अपोलो, आउ शेषरे शिकार होई परंती आपण, कारण बारंबार अपोलो नारे आसुची केलेंकारी रो अभियोग, पुणी अपोलो नारे आसीची सांघातिक अभियोग, चिकित्सा नारे लक्ष लक्ष टंका लुटुची अपोलो हॉस्पिटल, दिन दीपहरे आखिरे आंगुली गेंजी रोगी को शोषुची अपोलो, आपोलो विरोध में एभली सांघातिक अभियोग आनी कटक बक्सी बजार अंचल आदर्श दास। आदर्श कहवा अनुसार संपर्कियों देह असुस्थ थ चिकित्सा पाई अपोलो हॉस्पिटल को आठ जो भाव में मेडिकल शोषण कर चिंतार पड़ते मन इच्छा बिल करपोलो कह गोटे रेट बिले कि आउ गोटे रेट बात डाण हाथ कर बिल कर मेडिकल करतृपक्ष आउ हिसाब मागिले मेडिकल कर्तृपक्ष थथ मोम होतवार अभियोग करिसंती रोगी को संपर्कय आम संगे सर किछि आलोचना नै मते खाली कहले सर आईसीयू आईसीयू रो चार्ज हला 6000 फाइन नै मते कहले पूरा मते मिसगाइड कले इंश्योरेंस जो काउंसलिंग कले पूरा मिसगाइड कले कहले कि एटा आपन को 6500 रे हे जीवो एतिक टंका पडियो मु कहले मैक्सिमम 10-20000 टंका भी मुंदिनु को देई परियो सर 40000 टंका मते पडुछि चारि दिन चारि दिन को कटक बक्सी बजार अंचल प्रीतिलता असुस्थ होबारु तांकु भर्ती कर जायथिला अपोलो रे, हेले भर्ती हेबा परे अपोलो आरंभ कर देथिला शोषण, मन इच्छा मास्क ग्लोव्स इंजेक्शन पकाई बिलिंग कर जायथवार अभियोग करिसंती प्रीतिलतांको पुओ। तबे नजर पकांतु अपोलो रे बिल उपरे केमिति बिल पकाइछंती हॉस्पिटल रो कर्तृपक्ष, आउ एने प्रश्न करिबारु डिस्काउंट रो ऑफर दे पार्टी बंद करने को मेडिकल कर्तृपक्ष चेष्टा करुथवार अभियोग होइछि। अभियोग अनुसार दिनक गोटे रोगी पिछा 50 ग्लोवस 30 मास्क पर लिस्ट रही सेपटे एने अपोलो प्रतिक्रिया मिल पारिना मैंने कोविड रे पूरा लुट चलती कोविड आम पेसेंट को नहीं कोविड रो लुट चलती पूरा ये कौन है ना मास्क पकई 50 दिन कोतले दिन को 30 ग्लोवस पकई मन इच्छा N95 मास्क मन इच्छा आम पेसेंट तो N95 मास्क पिंधुनि किए N95 मास्क पिंधुचे किए तो तार एक्सरे अजथा एक्सरे कर चारिथर चेस्ट एक्सरे चारि थर कर 1400 टंका लेखा पुणी या चार्जेस पुणी कहते कौन ना आम बेड चार चार्ज अलग आईसा बेड चार्ज अलग एम आमको पाठ पढ़ाऊँ सरकारी जमीन हॉस्पिटल कर रोगी शोषण में मातिछि अपोलो हॉस्पिटल शव बंधा रखा ठू आरंभ कर रोगी शोषण मालमाल अभियोग अपोलो नारे
हेले सबु देखी न देखिला बळी रहुची स्वास्थ्य विभाग नीरव दोष्टा साजी चंती खोद स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास काही की अपोलो विरोध रे एक्शन नेबाकू साहस जुटाई पारुनहांती मंत्री नव दास स्वास्थ्य मंत्री को ऊपर रहिछि की अदृश्य चाप आउ केते अभिजोग आसिले एक्शन नेबे मंत्री नव दास याकुने सृष्टि होइछि बड़ प्रश्न। भुवनेश्वर कविता स्वाई का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। माउथवाश्रे भासुछि पोको एभली सांघातिक घटना को उपांत अंचल नुहे आसी खुद कटक एससीबी मेडिकल परिसर रु एक मेडिसिन दुकान साई संजीवनी मेडिसिन स्टोर जो जहाँ विरोध में आसी एभली सांघातिक अभियोग खाली से नुहे मेडिसिन भी एमआरपी ठारु ए दुकानी अधिक दर रे बिक्री करथुबा अभियोग करिछंति ग्राहक देखिबा रिपोर्ट। औषध रे भासुचि पोको साई संजीवनी मेडिसिन स्टोर विरोध रे सांघातिक अभियोग माउथवाश रे दिया जाउछि कि विष रोगी को जीवन सह खेल रोगी को जीवन सह खेल खेलुछंती मेडिसिन दुकानी लोकों व्यवहार जोगी माउथवाश रे भासुचि पोको एभली सांघातिक अभियोग कोनोसी उपांत अंचल नुहे कटक सहर एससीबी परिसर रु आसी एससीबी मेडिकल परिसर रे थिबा साई संजीवनी मेडिसिन स्टोर विरोध रे आसी एभली सांघातिक अभियोग केवल से नुहे मेडिसिन स्ट्रीप रे थिबा धार्य मूल्य ठारु अधिक टंका नेउथुबा अभियोग होईछि। ए मेडिसिन स्ट्रीप रे 100 टंकार मूल्य रहितबा बळे दोकानी 109 टंका बिल करथुबा ग्राहक अभियोग करिछंती। एभली सांघातिक अभियोग करिबा सह उक्त दोकानी विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकु दाबी करिछंती केन्द्रापडार दीपक कुमार चौधरी। मु घर पळे गेल घर जाय देखिल ओवर फोन ने पचारिली जे आज्ञा आपण जो 100 टंका प्रिंट अछि 109 टंका केमिति नेले ना सेटा भूल हे जाइछि आपण रिटर्न आनंतु आमे पैसा रिटर्न कर दबु तार मुँह कहे सेना पैसा रिटर्न करदे जोटा माउथवाश रे पोक बाहर आप आईएसआई ब्रांड देखु आईएसआई या लाइसेंस सर्टिफाई कर लाइसेंस देते ड्रग डिपार्टमेंट भी या सर्टिफाई कर सत्ते मैंने मेडिसिन मेडिकल भितर ये भाव प्रदुर्भाव कर ये गोटे माउथवाश पार्टी यूज हे यहाँ गोटे इटर्नल बाहर आम यूज करूनी गोटे पार्टी भितर यूज हे जदि कोरोना भाई गोटे जिनस डिजिज कहीं देखी ना सी बर्तन सारा पृथ्वी पृष्ठ में पूरा हईचय कर देती जदि आम देखिपे ये गोटे जिनस पोक बाहर पाती रे पाटी यूज होता मनीष मैंने रोगी मान सहित जीवन सहित खेलुँच तेणु आपरे गोटे विधिवत भाव रैकेट चली विधिवत तदंत हवा निहाती दरकार। सूचना अनुसार गत 16 तारीख रे दीपक एवं तांको पत्नी केन्द्रापड़ कटक बड़ मेडिकल रे गला रोगर चिकित्सा पाई ईएनटी विभाग को आसते चिकित्सा परे डाक्टर तांको किछि मेडिसिन लेखिथिले एसीबी कैंपस रे थिबा साई संजीवनी मेडिसिन स्टोर रु मेडिसिन किनिबा परे ही घटना सामना को आसीथिला। सेपटे मेडिसिन दोकानी कहिछंती कंपनी रो प्रस्तुत करबा समय रे भूल होईछि आमे कोन करि परिबु सेटा बाय मिस्टेक जाई मिस्टेक हला होछि से जे विभाग पढाई छि से बैच का 109 टका बैच का माने 109 टका बैच का पढै छि 9 टका 100 टका जाय मुझे बाबू रिक्वेस्ट करी आप फेरस जो रेस्ट पैसा आपको पोकोटा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टर आम कौन करूँ जो कहते से जो सिरपटा मुझे आपको देखेली कंपनी मैन्युफैक्चर आम कौन कर देखेली मो मोबाइल मैसेज आई देखते सिल अच्छी सिल भितर पोक अच्छे से कंपनी ना भी जा क्लेम कंपनी ना भी जा क्लेम से कंपनी जो जिनस अच्छे सब फेरा हम कंपनी सील मेडिसिन भितरु पोको बाहरिबा घटना वर्तमान समस्तक चिंता बढ़ाई तेबे साधारण लोकों जीवन सह खेल खेलुवा असल लोकों विरोध में केबे हेबो कार्यानुष्ठान ताहा उपरे समस्तक नजर कटकरु सुब्रत दासों सह विश्वजीत दासों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। संघ पक्षर स्वास्थ्य मंत्री उद्देश्य 12 दफा संबलित दावीपत्र दि जा सबुज पत्रिकाधारी सुविधा सुजोग जोगाई देवा को मुख्यमंत्री घोषणा करने अर्थमंत्री अध्यक्षतार एक कमिटी गठन कर तेज घोषणा को इतिम दुई वर्ष बीती जाते भी तालिका प्रस्तुत हो पार कारण हिताधिकारी सुविधार वंचित होती तेणु निखिल ओडिशा सबुज पत्रिकाधारी संघ पक्षर मुख्यमंत्री घोषणा को कार्यकारी करने को दावी कर आमे 12 मसीहार राज्य सरकार जो स्कीम है भौणी मानक अस्त्रोपचार कले सुविधा देवाई गोटे बही देते से बहर बहुत जिनस कथ अच्छे कार्यकारी हो पारा ना कार्यकारी हो पारा ना
तेणु आम बार बार आंदोलन कलापर गोटे चिठी करते 12 मसीह 13 मसीह दे कलेक्टर मानक सबुजपत्र मानक जो सुविधा अच्छे लागू कर तापर आज पर्यटन हो पारानी आम जोर आंदोलन कलापुर गला सरकार रे जो अर्थमंत्री थे शशिभूषण बेहरा नेतृत्व में गोटे मंत्रिस्तरीय कमिटी है जे मानव भौणी मान कथा समस्या दूर करने मंत्री मुख्यमंत्री भी कहले के ग्रीन कार्ड ओडिशा दिखाई से संख्या आम पाखे ना तेणु आम आपको सुविधा दे पार्न आम संख्या कलेक्शन करने आईने दबू ए संख्या कौन कलेक्शन कर राज्य सरकार 2 वर्ष लगेगा आज पर्यटन से संख्या आसला नहीं 8 मास अधिक समय बीतीगला समस्त शिक्षानुष्ठान बंद रही राज्य एवं देश में तेज आहुरी अधिक समय अपेक्षा करने पड़ छात्र छात्री को कारण राज्य सरकार कहवा कथा शिक्षामंत्री कहवा कथा जो केन्द्र और राज्य सरकार गाइडलाइन आधार में ही शिक्षानुष्ठान गुड़िक खोल विद्यालय उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ए सबू क्षेत्र में गाइडलाइन को प्राथमिकता दिजिव तेरे शिक्षामंत्री अनुरोध कर छात्र छात्री को घर रही पाठ पढ़ु एवं शिक्षाविद कहवा कथा जे राज्य सरकार ऑनलाइन पाठपढ़ा किभली आहुरी व्यवस्थित हो पार ताऊपर अधिक फोकस करिबा उचित कोरोना बनाम क्यारियर चिंतार छात्र छात्री और अभिभावक केबे खोलिबो उच्च शिक्षा अनुष्ठान उच्च शिक्षा अनुष्ठान खोलिबारे आहुरी विलंब हेबो वर्तमान उच्च शिक्षा अनुष्ठान खोल संभवपर हो केन्द्र और राज्य सरकार गाइडलाइन अनुजाई पदक्षेप वर्तमान पिलामाने घरे रही पाठ पढ़ु बोली उच्च शिक्षा मंत्री कहते रिसर्च स्कॉलर कैंपस खोलिबा नहीं गाइडलाइन अनुसार व्यवस्था हो मंत्री वर्तमान कोरोनार सबुठारु अधिक प्रभाव शिक्षा व्यवस्था उपर पड़ी जहाक नहीं चिंतार छात्र छात्री और अभिभावक दीर्घ 8 मास उच्च शिक्षानुष्ठान बंद थी बेले ऑनलाइन पाठपढ़ा उपर निर्भर करुछंती छात्र छात्री हेले नेटवर्क समस्या जो राज्यर अनेक छात्र छात्री ऑनलाइन शिक्षार वंचित होती जो सब स्थान में नेटवर्क नहीं सेठी नेटवर्क व्यवस्था सहित उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने बैठक डाकी आलोचना करार आवश्यकता रही कहते शिक्षाविद आपण मानकर टेक्स्ट बही साथी अन्यान बही मध्यम पढ़ंतु कोरोना को आखिया रखी भारत सरकार एवं विशेष करी राज्य सरकार जितने जो गाइडलाइन जारी करेंगे से अनुसार कार्यक्रम हम सामान्य विलंब हो पारे किंतु पिला माने पाठ पढ़ंतु एवं निर्दिष्ट समय गाइडलाइन अनुसार सब कथा करा जिवो वर्तमान जदि भी जनवरी खोल जाए पारंपरिक शिक्षा तो दि जा पारे ये 8 मास भितर अंत ये करते इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चारिआड़े पारिथे राज्य सारा विभिन्न जगार टावर बसईकि इंटरनेट उपलब्ध कर पारिथे से कले टे सरकारी स्तर में उद्यम होते भल होता जो वर्तमान ऑनलाइन शिक्षाटा गोटे विकल्प हो ठिया अनेपटे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय केबे खोलिबो ताकू नै चिंतार छात्र छात्री केबे हेबो परीक्षा वर्तमान राज्यर विभिन्न उच्च शिक्षानुष्ठान पढ़ुवा छात्र छात्री एइभली प्रश्न कले देशरे अनलॉक 3.0 लागू होता बेले उच्च शिक्षानुष्ठान खोलिबा और पाठपढ़ा आरंभ करने यूजीसी पक्षर जारी कर गाइडलाइन सेपटे अर्थनीति सुधारिबा दिगरे सरकार जो भली पदक्षेप नेमती पदक्षेप शिक्षा व्यवस्था नि छात्र छात्री कहते ऑनलाइन पाठपढ़ा पाठपढ़ा नुह जो पर्यंत आम शिक्षक सामने ब्लैकबोर्ड सामने एक्चुअली पाठपढ़ा हुए बट ए कोरोना सिचुएशन जब आम कह सुधुरी सब खोल बट सुधुरी नहीं जदि आम इकोनोमी आम सब प्रकार मार्केट खोली पारे सब प्रकार जिन खोल पारे प्रिकसन सहित आम यूनिवर्सिटी खोलतु आम अल्टरनेटिव डेज पचे खोलतु कितु आम यूनिवर्सिटी सब शिक्षानुषान खोल दरकार तो ऑनलाइन क्लास करें भुवनेश्वर जब नेटवर्क समस्या असुविधा हो जो मैंने ट्राइवल अच्छे किसी पे ट्राइवल अच्छे से प्रोब्लम आहुरी आम ए बर्षा जब रहा देन बहुत पिला बाहर तो आम रिजल्ट को लेकिन जहाँ भी किसी भी हूँ असुविधा आम ही चार प्रिकसन नहीं ही मार्केट हो जेकोसी एजुकेटिव हो कि किसी भी बिजनेस हो सब खोला हो सब प्रिकसन नहीं खोला हो तो शिक्षा विभाग से प्रिकसन नहीं ही खोल शिक्षा व्यवस्था उपरे कोरोनार प्रभाव पड़ता बेले कौन हेबो छात्र छात्री भविष्य ताकू नहीं बढ़ला चिंता भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन हेमंत सेठी इमरान खान रिपोर्ट अर्गस न्यूज जे शीत भल कि पड़नी किंतु राजधानी भुवनेश्वर रे शीत वस्त्र गदा हला राजधानी भुवनेश्वर रूपाली छक स्वतंत्र शीत बाजार खोली सारा प्रतिवर्ष भली किंतु कोरोना भय जो ग्राहकों देखा ना आउ चिंतार पड़ते व्यवसायी एथर व्यवसाय मंदा होगा नहीं व्यवसायी आशंका कर देखा रिपोर्ट
ରାଜଧାନୀରେ ଜମିଲାଣି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଆସର। ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ସାଲ୍, ସ୍ୱେଟର ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ରାଜଧାନୀର ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଲିଲାଣି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ବଜାର। ସ୍ୱେଟର, ଜ୍ୟାକେଟ, କ୍ୟାପ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ସାଲ୍, କମ୍ବଳ ଓ ମୋଜା ଆଦିର ପସରା ନେଇ ଦୋକାନୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଏତେଟା ଭିଡ଼ ଜମୁନାହିଁ। ଦୋକାନୀମାନେ ଦିନ ତମାମ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସୁଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ ଗ୍ରାହକ ଆସି ଶୀତବସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବେପାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ପସରା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ଅଧାରୁ ଅଧା କମିଯାଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ବେପାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଟିକେ ଶୀତ କମିବାରୁ ଯାହା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବି ନ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ ବସିଛୁ, ବେପାର ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସିଜନାଲି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କରିଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ। ଭେରାଇଟି ଏବର୍ଷ ମାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍, ଆମର ଇଏ ଲୁଧିଆନାରୁ ଆସେ, ଆଉ ସେଠୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠି କାମ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ବି କମିଯାଇଛି, ଭେରାଇଟି ବି କମିଯାଇଛି, ଆଉ ମାଲ୍ର ରେଟ୍ ବି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ଭାବୁଛୁ ସୁନିଶ୍ଚିତରେ ଏଠୁ ଲସ୍ ହେବ ବୋଲି। ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଏବର୍ଷ ସେଲିଂ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସେ, ସେଲିଂ କମ୍। ସେଲିଂ ଆର ବର୍ଷ ଭଲ ଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେମିତି କାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ଖାସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବେଠୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶୀତ ଋତୁରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ ସତର୍କ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ଆସିଛୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣାକିଣି କରିବ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏସବୁ କିଣାକିଣି କରି ଆସିଛୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ। ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା, ହେଲେ ବି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରୋନା ନିୟମ ବି ମାନିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେ ନହେଲେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ତା'ର କିଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ତ ଏଠି ବି ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଫାଙ୍କା ସମୟରେ, ମୋତେ ଏଜ୍ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଯାଉ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗହଳି କମ୍ ଥିବ ଆସି ମୋ କାମ ସାରିଦେଇ ମୁଁ ପଳାଏ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 103ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଦାନ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ, ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ କାଶ୍ମୀର ସମାଧାନ ହେଲା, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ସମାଧାନ ହେଲା, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା, ତାଙ୍କରି ନାଣି ଚାଷୀଠୁ ଖଟିକିଆ ଛାତ୍ରଠୁ ଶିଳ୍ପପତିଠୁ ସାମ୍ବାଦିକଠୁ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ଜଳସେଚନ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ, ଟିଭି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏସିଆର ତାରି ସମୟରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତ୍ରୀ ସେ ଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 19କୁ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇଭିଓ SIF ପକ୍ଷରୁ 28ତମ ପୁରୁଷ ଦିବସ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ
पालन अवसर में अनुष्ठान सभापति संजीव कुमार पात्र पुरुष आयोग गठन करने को दावी करते समाज में सबु वर्गर लोकों पर न्याय व्यवस्था रही बेले पुरुष सब अवहेलित हो आसुवा से अभियोग कर आज 28तम पुरुष दिवस आंतर्जातिक पुरुष दिवस अवसर में सीप ओडिशा तरफ मैन फैमिली डॉट इन बोली गोटे ग्रुप काम ऑल ओवर इंडिया लेवल रे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल रे 80टा तार हूँ अम्ब्रेला अच्छी मुंबई सब सब महानगर सब राज्य यार हूँ ब्रांच अच्छी सीप ओडिशा भी यार गोटे ब्रांच अच्छी जोटार आम सीप ओडिशा ग्रुप मेम्बर या सुचारित रूप चल आउ पुरुष प्रति अवहेला सब बेले यही आम ओडिशा रे एबे रिसेंटली आपण जानिथिबे जणे समाजसेवी को आत्मा से सुसाइड कर देले मर्डर हैला एपर्यंत पुलिस महानिर्देशक तार पुंखानुपुंख ये करलेनि तदंत कलेनि तेणुक पुरुष सब बेले ये जिनस अवहेलित कम पाई जुडिशियल सिस्टम सब बेले इक्वल रहबा कथा आमे चाहूचु जुडिशियल सिस्टम केवल इक्वल रहुनि आमे चाहूचु जेंडर इक्वालिटी जेंडर बायस न हो लॉटा। सिल्वर सिटी रे गोल्ड लुटेरा बंधुक देखा बाइक रे लुटी नेले 10 कोटी टंका सीसीटीवी अचल थिला गोल्ड बंधक रखुथबा कंपनी ए लुट घटना सामना को आसी कटक नया सड़क रे लुटेरा को धरिबा पाई पुलिस चलाई तनाघना रूपार नगरी रे सुना चोर 10 मिनिट रे 10 कोटी आसिले लुटिले गायब हो गले कटक रे बड़ डकायती को नहीं चांचल्य नया सड़क रे 10 कोटी रु अधिक टंकार लुट 19 नवंबर सकाळ प्राय 9:45 जनगहलीपूर्ण नया सड़क अंचल ग्राहक साजी आईआईएफएल रे पहुंची थिले लुटेरा मुहेरे थिला मास्क और हेलमेट देहरे थिला चादर केही किछि बुझिबा आगरु ग्राहक बेसरे आसीथिबा लुटेरा बंधुक बाहर करथिले कर्मचारी को मुंडरे गन रखी नहीं जाइथिले लॉकर चाबी समस्त कर्मचारी को बाथरूम रे लॉक करबा परे मन इच्छा लुटीथिले गन लगेला परे अपन निजे कोंतु सदर समस्त पुरैले जाई कि बाथरूम रे अदा आ जो की होल्डर टू चाबी का ठन लेले से चाबी की होल्डर दी जण थांती जी जण जण को लगेले जण को पेली पेली नै कासि कि लेडीज जे अछन तांको पर भी अटैक कर तंटी चिपिले सर केते टका हो आ 10 कोटी भले हो 8-10 कोटी 8-10 कोटी हां कैश जाईची 4 लाख 4.5 लाख भले आ सोना नै चंती 8-10 कोटी भले 10टा भीतर 10टा 10टा हमर से 4 जण आस्ते कोन कोन कहले तमु कोन कहले आ फल्ला भीतर आमे भीतर को ये करी लाइट दे मारला और को से 4 जण गन देखे किनी मोबाइल छोड़ी नला तमु को कोन कहले तमु कोन कहले तम खेली दे धक्का देला तमु को हां कहले मोबाइल दे लूट परे कटक रे नाका बंदी शहर रो सबु संयोग पथ सील लुटेरा को धरिबा को 3टी स्वतंत्र टीम करा जाय छी घटनार किछि समय परे पहुंची थिला पुलिस सीपी डीसीपी ओएसपी पहुंची थिले कटक ग्रामांचल केन्द्रापड़ा जाजपुर जगत सिंहपुर पुलिस मध्य आक्शन रे एबे बड़ कथा हेउछि लोकंक टंका ओ सुना रखुथिबा ए संस्था रे काम करुन थिला सीसीटीवी आलाराम भी बाजुन थिला सिक्युरिटी गार्ड हाथ में नथिला बंधुक जहार फायदा उठाई लुटेरा सुना गहना टंका सह ब्याग बाइक रे धरी चली जाइथिले ये खबर पाइला परे इमीडिएटली पूरी घाट लालबाग थाना इमीडिएटली रिस्पोंड कले जाई कि सेठी पुलिस देखला के केमती चोरी हेछि और साइंटिफिक टीम मध्ये जाइछि और आम तरफ रु ये उपरे तदंत आरंभ हो जाइए तीन टा टीम गठन करा जाइए और अलग डायरेक्शन रे से मने जाई कि खोजुचंती कटक रूरल जशपुर केन्द्रापड़ा सब जिला रे नाका लगाए जाइए और से मनकर मूवमेंट को ट्रैक करा जाउछे कटक रो नया सड़क रे रहिछि एकाधिक गहना दुकान सेपटे दिनर आलुरे एभली बड़ लूट पुलिस को एक बड़ चैलेंज कटक रु भिडियो जर्नालीस्ट दीपक साहू विश्वजीत दास रिपोर्ट।
ସବୁ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିବା ନମସ୍କାର।